हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जो वरान है वो फाइनली उसने हसन को किडनैप कर लिया और उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसका एविडेंस नहीं मिलेगा। तो उसको चेन करके जो है कमरे में लॉक कर दिया। तो फ्रेंड, दिलान को पता लग जाएगा। फ्रेंड, दिलान जो है वरान से कहेगा कि वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल और काइंड हार्टेड पर्सन है और इस तरह बदला लेना उसको सूट नहीं करता। लेकिन अब देखिए फ्रेंड, वरान जो है वो हसन को बिल्कुल भी जो उसकी पनिशमेंट के बगैर नहीं रहने देता और उसके अगेन जब तक एविडेंस नहीं मिल जाते वो जो है हसन को रिलीज नहीं करेगा। तो देखें फ्रेंड, दिलान बहुत ज़्यादा वरीड है कि बारान जो है अनइंटेंशनली भी कुछ भी रॉन्ग ना कर दे। और फ्रेंड, दिलान और आज़ादे अब देखें फिर से मिस्टेक करेंगी। हसन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, हसन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आज़ादे और दिलान को फिर से फूल बनाएगा और पहले आज़ादे को। और फ्रेंड, दिलान डिसाइड करेगी कि वो हसन से खुद बात करती है। तो बारान उसको नहीं जाने देना चाहता हसन के पास। लेकिन फ्रेंड, दिलान जो है हसन के पास जाएगी और हसन उसको मारने की कोशिश करेगा। तो देखें फ्रेंड, अब क्या बनता है। हसन जो है वो कब तक उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी और राइटर उसको इतना ड्रैग क्यों कर रहा है। बरान जो है अगर उसने दिलान को हसन ने कुछ भी किया तो बरान हसन को मार देगा। लेकिन अब देखें फ्रेंड, दिलान क्या करती है और जो हसन है उसका एंड कब तक होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, राइटर ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया है और अब देखें फ्रेंड स्टोरी में क्या बिगेस्ट ट्विस्ट बनता है और जो है बरान और दिलान की लाइफ में क्या बनेगा। तो देखें फ्रेंड, जो राइटर अब क्या करता है और जो हसन है वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और बरान जो उसको माफ़ नहीं करेगा अगर उसने दिलान को कुछ भी हर्ट करने की कोशिश की। तो देखें फ्रेंड्स, अब क्या बनता है स्टोरी में बरान और दिलान की लाइफ में और कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग हो रही है। तो देखें फ्रेंड, जो राइटर अब क्या करेगा, दिलान और बरान की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा और हसन कब तक जो है उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और जवाहिर अब देखें बरान से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखें फ्रेंड, ये दोनों इवल इन दोनों की लाइफ से कब तक जाते हैं और कब तक बरान और दिलान की लाइफ में जो है कम्प्लीटली हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि इन दोनों के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और हसन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वो अपनी फैमिली को हमेशा बिट्रे ही करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। सी यू। बाय बाय। टेक केयर।